हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं श्री अनंता ट्यूटोरियल से आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होम साइंस विषय के हैं और ये टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आज जो प्रश्न आ रहे हैं वो मल्टीपल चॉइस के होते हैं, परंतु उसमें निगेटिव मार्किंग हो जाने से आपको सावधानी पूर्वक हर एक क्वेश्चन के सही उत्तर देना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर आपको लेके आई हूँ, जो आप गंभीरता पूर्वक उसको याद कर लेंगे तो एग्जैक्टली कौन सा आंसर सही है इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको क्वेश्चन और जब ये आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि एग्जाम और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं आपको समय रहते मिलती रहे। ओके, सो मैं आपको बताने जा रही हूँ चैप्टर वन से आधारिक खाद्य वर्ग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक फूड ग्रुप्स। तो यहाँ पे मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर आपको दूंगी। क्वेश्चन नंबर वन, सर्वप्रथम खाद्य वर्ग का विभाजन किसके द्वारा किया गया? कैलोरीन हंट, इसका उत्तर होगा कैलोरीन हंट। क्वेश्चन नंबर टू, मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल तथा खनिज लवण। क्वेश्चन नंबर थ्री, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति किस तत्व से होती है? किस तत्व से होती है? कार्बोहाइड्रेट से। इसका आंसर होगा एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा विटामिन सी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, न्यूक्लिक अम्ल एवं शरीर में भोजन संचय करने का कार्य कौन सा तत्व करता है? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर सेवन, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3 किलो कैलोरी। इसका आंसर होगा 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर एट, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जे बर्जेलियस। क्वेश्चन नंबर नाइन, प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बना है? इसका आंसर है 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना है। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना है कि 24 अमीनो अम्ल से मिलकर बना है, तो इसका आंसर होगा 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना है। कोशिका जीव द्रव्य एवं ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों में प्रोटीन की कमी से दो तरह के रोग होते हैं, क्वाशियरकर और मेरिस्मस। लेकिन इसका एग्जैक्टली आंसर क्वाशियरकर ही होगा, क्योंकि मेरिस्मस में क्या होता है कि ये प्रोटीन की कमी के साथ साथ कैलोरी की कमी से भी ये रोग होता है, इसलिए एग्जैक्टली इसका आंसर जो सही होता है वो होता है क्वाशियरकर। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है एक्सेरोफाइटॉल और रेटिनॉल। तो जनरली जो क्वेश्चन के आंसर में उसमें जब बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं तो उसमें चार उसके जो दिए रहते हैं क्वेश्चन के आंसर, उसमें एक्सेरोफाइटॉल नहीं होता है, रेटिनॉल ही जनरली दिया जाता है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियोसिन और निकोटिनामाइड। तो जनरली जो क्वेश्चन के आंसर में रहता है एग्जाम्स में वो निकोटिनामाइड ही रहता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड भी होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 17,
विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन है। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। और विटामिन बीएच को भी हम विटामिन एच को भी हम बायोटीन कहते हैं। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? जैसा हमने आपको पहले बताया था, विटामिन बी7 को भी बायोटिन कहते हैं और विटामिन एच को भी बायोटिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन पी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन पी जनरली बच्चे छोड़ देते हैं और सारे विटामिन याद कर लेते हैं, लेकिन पी जो होता है उसको पढ़ना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं विटामिन पी के बारे में भी आपको बता रही हूँ कि विटामिन पी का रासायनिक नाम बायोफ्लेवोनाइट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है, और टेकोफेरॉल भी होता है और टोकोट्रेनॉल्स भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर आपको 1 से 25 तक के क्वेश्चन के आंसर बताए हैं। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।